हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक रहे? आप लोग के दुआ कि हम भी ठीक हैं। तो देखिए, आज हो रही है बारिश, ज़ोरदार बारिश, हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही है। तो देखिए आज बारिश हो रही, तो मेरा चूल्हा भी भींग चुका है। तो आज देखिए कितना बारिश हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे बारिश की वजह से आज जो है यहाँ पे उस सहारे पे जो बरामदे पे जो हम चूल्हा ले आए हैं, तो चूल्हा बनाए हैं, यानी टीना का चूल्हा बनाए हैं। तो टीना के चूल्हा पे ही बनाते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे आँच जो है हम धरा दिए हैं। तो देखिए बहुत आँच तेज लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो इसीलिए और आँच जो है से आग ऊपर जा रहा है। तो आज हम देखिए क्या क्या बना कर दिखाएंगे आप लोग को। यहाँ पे बन रहा है चाय, तो देखिए यहाँ पे चाय बन रहा है। तो चाय बनाने के बाद जो है देखिए हम क्या बना कर दिखाते हैं आप लोग को। आज कुछ नया बनने वाला है। तो हवा देखिए कितना तेज चल रही है। तो देखिए यहाँ पे हम वीडियो को जूम करके दिखाते हैं। मौसम भी ठंडा ठंडा बना हुआ है। ठंडा मौसम तो ठीक है, लेकिन ये धान की फसल जो है ना, उसको बहुत नुकसान हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कितना हवाएं चल रही थी, देखिए कितना चल रहा है हवा, यहाँ पे कितना तेज हवा चल रहा है। देखिए और ये है मेरी कदे की पेड़। यहाँ पे देखिए मुर्गी बेचारी जो है अपना बारिश की वजह से यहाँ पे छुपी हुई है। तो देखिए आज बना रहे हैं हम यहाँ पे गुलगुल्ला। तो देखिए अभी कितना आटा बाकी है। आटा जो है थोड़ा ज़्यादा गीला हो गया था, तो उसमें थोड़ा आटा मिलाकर कठिल किए हैं। तो देखिए दोबारा ये रख रहे हैं अभी। तो आज बन रहा है ताज़ा ताज़ा गरम गरम गुलगुल्ला। गुलगुल्ला आप लोग क्या कहते हैं? हम लोग तो गुलगुल्ला बोलते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए सारा गुलगुल्ला बन के रेडी हो गया तैयार। तो यहाँ पे देखिए जो है बकरी का जो खाने वाला सामान, यहाँ पे कुछ हरा पेड़ की डहली है। तो यहाँ पे देखिए डहली है, जलेबी के पेड़ और गुल्लर के पेड़ के पत्ते। देखिए यहाँ पे बकरी जो है अपना खा रही है। बारिश की वजह से उसको भी आज घर में ही रहना पड़ा।
और वहाँ पे जो मुर्गी अपना वो बारिश की वजह से वहाँ पे छिपी हुई, तो गुलगुला बनाने के बाद हम बना रहे हैं अभी रोटी। देखिए इसके बाद जो है, कल साग लाई थी मूली की साग अम्मी, तो वही बनाएंगे, मूली की साग, दाल, चावल। और यहाँ पे जो है बच्ची पढ़ाई कर रही है, मेरी भांजी है, तो फिर आपको दिखा रहे हैं। अभी देखिए फिर दोबारा से बारिश होने लगा, और वो बीच में मेरा बड़ा वाला जो है चूल्हा झापा हुआ है छिटा ऐसे। बड़ा वाला धान, उस नया वाला चूल्हा जो है झापा हुआ है, इसमें धान होने के बाद उसे तो आप लोग को हम दिखाएंगे। तो वीडियो करते ख़त्म, खुदा हाफिज, गुड बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।